गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे कुंवर नारायण को। कुंवर नारायण की यहाँ पर दो कविताएं हैं, एक तो कविता के बहाने और एक बात सीधी थी। पर कुंवर नारायण का जन्म होता है 1927 में और इनकी मृत्यु होती है 15 नवंबर 2017 में। कुंवर नारायण की मृत्यु होती है 15 नवंबर 2017 और इनका जन्म होता है सन 1927 में। कुंवर नारायण नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि। कुंवर नारायण का नाम तीसरे सप्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने चार सप्तकों का आयोजन किया था और कुंवर नारायण प्रत्येक सप्तक में सात कवि थे। प्रत्येक सप्तक में कितने कवि थे? सात कवि। और कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के कवि हैं। कुंवर नारायण कौन से सप्तक के कवि हैं? तीसरे सप्तक के कवि हैं, जो कि 1959 में उन्होंने बनाया के अग्रगण्य कवियों में लिया जाता है। वे अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखते हैं। उनका रचना संसार व्यापक है। 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत करने वाले कुंवर नारायण ने कविता के साथ साथ कहानियां, लेख व फिल्मी समीक्षाएं भी लिखी। उनका कहना था, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं व इन दिनों, आत्मजयी तथा वात्सर्वा के बहाने उनके दो खंड काव्य हैं। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह। इनके अलावा आज और आज से पहले नामक एक समीक्षा ग्रंथ भी उन्होंने लिखा है। कुंवर नारायण को 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कोई दूसरा नहीं कृति पर। इनका कविता संग्रह कोई दूसरा नहीं, इसके ऊपर इन्हें 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2005 में इन्हें साहित्य के क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार 2005 में इन्हें साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला। आकारों के आसपास इनकी जो कृति है, आकारों के आसपास कहानी संग्रह, इनका आकारों के आसपास कहानी संग्रह पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, जो कि भारत के साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, वह इन्हें 2005 में मिलता है। 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। इसके बाद 2009 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अवार्ड भी दिया जाता है। भारत सरकार के सबसे बड़े चार अवार्ड हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनमें से इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया जाता है 2009 के अंदर, और 2017 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर इस पाठ में कुंवर नारायण की दो कविताएं हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी। कविता के बहाने इनकी जो कविता है वह इन्हीं दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। कविता के बहाने जो इनकी कविता है वह इन्हीं दिनों काव्य संग्रह उससे ली गई है। और दूसरी है बात सीधी थी पर, इनकी जो बात सीधी थी पर कविता कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। इस काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं को 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 1985 में। यहाँ पर इनकी दो कविताएं जो कि अलग अलग काव्य संग्रह से ली गई है, कविता के बहाने तो ली गई है इन्हीं दिनों से, बात सीधी थी पर यह कविता ली गई है कोई दूसरा नहीं से ली गई है बात सीधी थी पर, और कविता के बहाने इन्हीं दिनों से ली गई है। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता के बहाने भौतिकता एवं यांत्रिकता के दौर में कविता की महत्ता को दर्शाती है। कविता की उड़ान सीमातीत है, यानी सीमा से अतीत परे है। कविता की उड़ान बहुत ज़्यादा है। कविता का खेलना उसकी महक भी सीमातीत है।
बच्चों के असीम सपनों की तरह कविता का दायरा भी असीम है। जहाँ कवि की सृजनात्मकता सृजनात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ सीमाओं के दायरे स्वतः ही टूट जाते हैं। इनकी दूसरी कविता है, दूसरी कविता बात सीधी थी पर, इसमें भाषा की सहजता पर बल देती है। बात सीधी थी पर यह बल देती है भाषा की सहजता पर। ज़्यादा घुमावदार भाषा के चक्कर में कभी कभी सीधी बात भी उलझकर अग्राह्य बन जाती है। यानी कि अगर अपन बात को ज़्यादा घुमाएंगे, ज़्यादा उसे तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, तो वह बात क्या है उलझ जाएगी और अच्छे से समझ में नहीं आएगी। अच्छी बात या अच्छी कविता का सृजन सही वह सहज शब्द से ही जुड़ा है, जुड़ना ही है। अब इनकी कविता है कविता के बहाने, यह ली गई है इन्हीं दिनों काव्य संग्रह से। कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के बहाने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खेलना है फूलों के बहाने, कविता का खेलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। उड़ान है, उड़ान का अर्थ है उड़ना, कल्पना करना। बहाने का अर्थ है प्रतीक बनाना, प्रतीक बनाकर। कविता की उड़ान, कविता की उड़ान का अर्थ है कविता की असीम पहुंच या प्रभाव। आदमी की जो सोचने की शक्ति होती है वह बहुत ज़्यादा होती है और उसे ही कविता की उड़ान कहा गया है। क्या जाने यानी क्या समझ सकती है, क्या जाने का अर्थ है क्या समझ सकती है। बाहर भीतर यानी थोड़ी दूर तक। इस घर उस घर का अर्थ है एक घर से दूसरे घर तक। कविता के पंख, कविता के पंख का अर्थ है कवि की कल्पना, कवि कितनी कल्पना कर सकता है। माने, माने का अर्थ ही अर्थ होता है, माने का अर्थ ही अर्थ है। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब कवि कहता है कि कविता कवि के विचारों एवं भावनाओं की कल्पना है। कवि कहते हैं कि कविता कवि के विचारों और भावनाओं की कल्पना है जो कि उनके पंखों की सहायता से भरी गई उड़ान है, जो उनके पंखों की सहायता से उनकी भावना, उनकी जो कविता है वो कवि की भावना क्या है, कवि की भावना है। कविता क्या है, कवि की भावना है और उसकी कल्पना है, उसमें क्या भरा गया है, उसमें पंखों की सहायता से उड़ान भरी गई है। कल्पनाओं की सहायता से कविता के अंदर क्या भरी गई है, उड़ान। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं चिड़िया किसके सहारे उड़ती है, चिड़िया उड़ती है पंखों के सहारे, तो कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने, क्योंकि कविता की उड़ान तो बहुत ज़्यादा है, असीमित है, क्योंकि वह तो कल्पना की उड़ान है और चिड़िया की उड़ान उसके पंखों से होती है, चिड़िया की उड़ान उसके पंखों से होती है, लेकिन कविता की उड़ान तो कवि की कल्पनाशीलता है, कवि की भावात्मकता है। कल्पना की उड़ान क्या है, कविता की उड़ान क्या है, कवि की भावात्मकता, कवि की कल्पनाशीलता। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि चिड़िया की उड़ान कहाँ तक, चिड़िया की उड़ान तो सीमित रहती है बाहर भीतर यानी अंदर या बाहर, इस घर से उस घर तक चिड़िया इतना ही उड़ सकती है, या तो अंदर जा सकती है या बाहर आ सकती है, या इस घर में जा सकती है या उस घर में जा सकती है, चिड़िया तो इतनी ही उड़ सकती है। लेकिन कविता है, उसकी उड़ान उसकी कल्पनाशीलता उसकी भावात्मकता कवि है। कविता की भावात्मकता क्या है, कवि है।
तो वह भावनाएं कल्पनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, असीमित होती हैं। भावनाएं कल्पनाएं क्या होती है? असीमित होती हैं। तो कविता के पंख लगा उड़ने के माने, तो कवि क्या कह रहे हैं, कवि कविता की जो कल्पना करता है, जो भावात्मकता है उसमें पैदा करता है, उसके पंखों की गति, उसके उड़ने की गति चिड़िया क्या जाने। यानी चिड़िया को क्या पता कि वह कितनी तेज उड़ सकती है, कितनी दूर तक जा सकती है। कविता जब कल्पना के पंखों से उड़ती है तो उसमें बाहर भीतर की कोई सीमा नहीं रहती है। कवि कहते हैं कि कविता जब कल्पना के पंखों से उड़ती है तो वह सीमित नहीं रहती है, अंदर बाहर सीमित नहीं रहती है, इस घर उस घर तक ही सीमित नहीं रहती है। कविता असीमित विस्तार वाली है। कविता क्या है? असीमित विस्तार, उसका विस्तार बहुत है, ज़्यादा है। उसकी तुलना चिड़िया से नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि चिड़िया तो सिर्फ अंदर से बाहर या इस घर उस घर तक ही सीमित है, लेकिन जो कविता है वह असीमित है। कविता क्या है? असीमित है। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि कह रहे हैं कि जो कविता है उसकी उड़ान चिड़िया की तरह, कविता की उड़ान किसकी तरह, चिड़िया की तरह उड़ती है। क्योंकि चिड़िया के जिस प्रकार पंख होते हैं उसी प्रकार कविता के भी पंख हैं। कविता के पंख कौन है? कविता के पंख हैं कवि की कल्पनाशीलता और उसकी भावात्मकता। कवि की कल्पनाशीलता और उसकी भावात्मकता कविता की पंख है, उसकी उड़ान है। चिड़िया तो क्या है कि थोड़ी दूर तक ही उड़ सकती है, या इस घर से उस घर तक उड़ सकती है, या अंदर से बाहर तक उड़ सकती है, लेकिन जो कविता है उसके पंख बहुत दूर तक फैले हुए हैं। कविता के पंख हैं जो बहुत दूर तक फैले हुए हैं। क्यों फैले हुए हैं? क्योंकि वह कवि की कल्पनाशीलता पर निर्भर करती है। कविता किस पर निर्भर करती है? कवि की कल्पनाशीलता पर। इसलिए कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो कविता के पंख लगाकर, कविता के पंख कौन लगाता है? कविता के पंख लगाता है कवि। कवि उनमें भावात्मकता पैदा करता है, कवि उनमें कल्पनाशीलता पैदा करता है, तो उसके मायने चिड़िया क्या जाने। चिड़िया को, चिड़िया की उड़ान सीमित है, लेकिन कविता की उड़ान असीमित है। अब कवि आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। खिलना, खिलने का अर्थ होता है फूलों का खिलना या कविता का आनंदमय प्रभाव। खिलने का क्या अर्थ होता है? फूलों का खिलना या कविता का आनंदमय प्रभाव। बाहर भीतर यानी सीमित स्थान, बाहर भीतर यानी सीमित स्थान। इस घर उस घर का अर्थ है देश विदेश। इस घर उस घर का अर्थ है देश विदेश। बिना मुरझाए यानी हमेशा एक जैसा आनंद देने वाले। बिना मुरझाए का अर्थ है हमेशा एक जैसा आनंद देने वाले। महकना, महकने का अर्थ होता है बिखेरना, यानी सुगंध को बिखेरना। महकना यानी सुगंध को बिखेरना, आनंदित करना, प्रभावित करना। अब कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, कविता एक खेलना है फूलों के बहाने, कविता का खेलना भला फूल क्या जाने। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कविता भी एक फूल की तरह खिलती है, कविता भी एक फूल की तरह खिलती है, उसी प्रकार वह सबको आनंदित करती है, उसी प्रकार ही वह सबको आनंदित करती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कि जिस प्रकार फूल खिलते हैं उसी प्रकार कविता खिलती है। जिस प्रकार फूल खिलते हैं आनंद देते हैं उसी प्रकार के क्या है, कविता खिलती है और वह हमें आनंद देती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कविता कितनी खिलती है यह फूलों को पता नहीं है। फूल तो खिलते हैं और थोड़े दिन बाद मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता हमेशा आनंद ही प्रदान करती है। कविता कभी मुरझाती नहीं है, कविता कभी मुरझाती नहीं है। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। बाहर भीतर यानी अंदर बाहर, इस घर उस घर, बाहर भीतर यहाँ पर कविता के लिए कहा गया है देश के अंदर, और इस घर उस घर यानी एक देश से दूसरे देश में,
यानी कि बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब कवि कह रहा है कि फूल तो क्या है, थोड़े दिन बाद में मुरझा जाते हैं और वह एक ही जगह महकते हैं, लेकिन कविता देश के अंदर एक जगह कविता की कल्पना की गई है तो वह पूरे देश के अंदर फैल जाएगी और वह बिना मुरझाए ही हमेशा आनंदित और सुख देने वाली होगी। इसके मायने फूल नहीं जानते हैं, क्योंकि फूल तो मुरझा जाते हैं, थोड़े दिन बाद में मुरझा जाते हैं। फूल तो खिले और मुरझा गए, लेकिन कविता है वह हमेशा बनी रहती है और उसी प्रकार अपनी सुगंध बिखेरती रहती है। इसलिए कवि कह रहे हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि कहते हैं कि कविता फूल की तरह खिलती है, उसमें कवि की कल्पना भरी रहती है, कवि की भावुकता भरी रहती है। जिस प्रकार फूलों में रस भरा रहता है, उसी प्रकार कविता के अंदर कवि की भावात्मकता और उसकी कल्पना भरी रहती है। कविता फूल की तरह खिलती है, लेकिन फूल तो क्या है कि थोड़े दिन बाद में मुरझा जाता है, लेकिन कविता वह देश में विदेश में देश के अंदर चारों तरफ हमेशा अपनी सुगंध बिखेरती रहती है, वह कभी मुरझाती नहीं है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं एक कर देना यानी भेदभाव मिटा देना। कविता एक खेल है बच्चे के बहाने, यहाँ पर कवि कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि कविता बच्चे के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चा खेलता है, उसी प्रकार कवि भी शब्दों से खेलता है। कवि खेल खेल में कविता रच लेता है और बच्चा अपना बौद्धिक विकास करता है खेल के अंदर। जिस प्रकार बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, बच्चे घर के बाहर तथा अंदर एक घर से दूसरे घर तक बेरोक टोक आते जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस घर चले गए उस घर में चले गए, इधर खेल लिए उधर खेल लिए, उन्हें किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार से कोई नहीं रोकता है। उसी प्रकार कविता है, कविता को कोई नहीं रोकता है। वे अपने खेल द्वारा सभी घरों में एक दूसरे को जोड़ते हैं, भावात्मक एकता पैदा करते हैं। कौन बच्चे? बच्चे खेलते हैं, एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है, तो भावात्मक एकता यानी लोगों को आपस में जोड़ते हैं। कौन? बच्चे जोड़ते हैं। अरे बच्चे एक घर से दूसरे घर में जाएंगे तो लोग आपस में जुड़ेंगे, यह घर वह घर, इस घर से उस घर जाएंगे, तो सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। और सबको एक साथ भावात्मक एकता, सब में एक जैसी भावात्मक एकता पैदा करना और सबको एक साथ जोड़ना बच्चे ही जानते हैं। कौन जानते हैं? बच्चे ही जानते हैं। उसी प्रकार कविता क्या है, कविता भी उसी प्रकार बच्चों की तरह भावात्मक एकता पैदा करती है और लोगों को आपस में जोड़ती है। किसकी तरह? कविता किसकी तरह भावात्मक एकता पैदा करती है और सबको जोड़ती है? बच्चों की तरह। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने माने बच्चा ही जाने। कि जिस प्रकार बच्चा घर में और बाहर एक घर से दूसरे घर तक खेलता है और लोगों के अंदर भावात्मक एकता पैदा करता है, उसी प्रकार कविता क्या है, उसी प्रकार बच्चों के खेल की तरह कविता भी लोगों के अंदर भावात्मक एकता पैदा करती है। तो इस प्रकार कवि यहाँ पर एक दूसरे को जोड़ने के लिए इस कविता में कविता को उपमा दे रहा है बच्चों की, कि जिस प्रकार कविता जोड़ती है एक दूसरे को, लोगों से एक दूसरे को आपस में जोड़ती है, उसी प्रकार छोटे जो बच्चे हैं वह भी लोगों को आपस में जोड़ते हैं, वह भी लोगों को आपस में हमेशा जोड़ते ही हैं। छोटे बच्चे लड़ाई नहीं करवाते हैं, हमेशा जोड़ते ही हैं। ओके, थैंक यू। बात सीधी थी पर यह अपन पढ़ेंगे आगे की क्लास में। ओके, थैंक यू।